आज की बैठक में आप लोग का स्वागत है, सभी पत्रकार बंधुओं का। आज आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा के कोर कमेटी की बैठक हमने किया भी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मूल मुद्दा आज का ये है कि स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कई अरसे से 21 वर्षों तक आवाज़ें उठ रही है और इस साल उसका आंदोलन काफ़ी तेज हुआ है, चाहे स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेके, भाषा नीति को लेके। लेकिन सरकार के निष्ठुर और निरंकुश प्रवृत्ति से हम लोग थोड़ा नाखुश हो गए हैं झारखंड के लोग। ऐसा स्थिति हमने एहसास किया है, आज हम लोग तय किए हैं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था, संज्ञान में लेकर के इसको रघुवर दास जी जो नीति बनाए थे उसको अमेंडमेंट करते हुए एक अच्छा नीति बनाना चाहिए था, ताकि यहाँ का माने उद्योग, रोजगार, व्यवसाय और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया प्रशस्त हो सके, ये हो सके। आज आप देखेंगे JCC जो है उसके सामने कोई काम नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति नहीं है और सरकार के सामने 2,44,000 पद रिक्त हैं, जिसमें थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी हैं, जिसमें आपको माने शिक्षक की नियुक्ति है, जहाँ बहाली होनी थी। लेकिन इन्होंने जो गड़बड़ नीति बनाई कि नियोजन नीति के नाम पर कुछ बिहारी बाहर के मूल की भाषा का जोड़ दिया, और यहाँ एक सबसे बड़ी खामी इन्होंने किया है जो मैं उजागर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सामान्य जाति के लोग हैं, अगर दिल्ली या अन्य क्षेत्र में पढ़ेंगे, दूसरे राज्यों में पढ़ेंगे, तो उसको स्थानीयता का लाभ नहीं मिलेगा और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा। ये विसंगता को कोर्ट ने पकड़ दिया, कोर्ट में मामला लटक दिया। तो सरकार की अपरिपक्व जो राजनीतिक सोच है, कारण एक मामले फंसते जाते हैं, सिर्फ राज्य का बहुत बड़ा अहित हुआ है आज के डेट में। और अनुबंध पर इसने हजारों हजार की लगभग 50,000 नियुक्तियां करके बाहर के लोगों को काबिज करा दिया सर्विस में, इससे कई अराजकता फैल गई राज्य में। ये हम लोग एक गंभीर समस्या के रूप में राज्य के लोगों के सामने है और राज्य इस दलदल में फंस गया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मौका मिला था, जुआ थे, लेकिन इन तमाम मसलों पर उनका कोई सटीक और कारगर राजनीतिक फैसले या राजकीय फैसले नहीं होने से राज और गंभीर दलदल में चला गया है, इस तरह से लगता है, ये हमने एहसास किया है। आज हम लोग तय किया है कि सकारात्मक सोच के साथ, हमने पिछले दिनों रामेश्वर राव जी, डॉक्टर रामेश्वर राव जी से मिला, हम लोग का दल मिलकर उनसे बातें उठाई कि स्थानीय और नियोजन नीति क्यों जरूरी है, किस रूप में जरूरी है, किस रूप में बनना चाहिए। तो उन लोगों ने पेशेंट हियरिंग करके कहा कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट में रखूँगा, और अगला कदम हम लोग रखना जा रहे हैं कि यहाँ के पंचायती राज मंत्री मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, विधानसभा का अध्यक्ष से मिलेंगे, विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, जो राजनीतिक नेता इसमें सरोकार रखते हैं उनसे मिलकर के हम लोग बात को रखेंगे और राज्य के पुनर्निर्माण में योगदान देने का आग्रह करेंगे। क्योंकि ये फैसला नहीं होगा, फंसेगा तो राज फंसा रहेगा और फंसते आ रहा है, ये बहुत दुखद विडंबना है और हम लोग के लिए अभिशाप है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ओथ लिया तो हम लोग आशाएँ थी, क्योंकि स्थानीय नियोजन नीति के मामले पर उन्होंने राजू मुंडा की सरकार से हट गए थे और कई कमेटियां भी बनी थी जिसमें वो सदस्य भी थे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो जो विधानसभा में वक्तव्य आया निराशाजनक थी, और कोई ऐसी बात उन्होंने किया कि ये बन ही नहीं सकता है, यह कैसे भाई, कि राज्य के विभिन्न राज्यों में तो इसका है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, आपको नया प्रदेश बना, आपको ये उत्तराखंड में है, वहाँ पर तो डोमिसाइल नाम दिया गया है, और जब बन गया तो आपके यहाँ क्या दिक्कत है। हर बार इधर उधर की बहाना होती है, इससे राज्य की जनता खिंच गई है। हम लोग तो ये हैं कि ये जो पंचायत राज चुनाव हो जाएगा उसके बाद बड़ी लकीर हम लोग आंदोलन के रूप में खींचना चाहते हैं, सरकार को डोलाना चाहेंगे, सरकार को बाध्य करना चाहते हैं कि यह मसला अगर समाधान नहीं हुआ
तो राज्य में आपको वो शक्ति का फेस करना पड़ेगा, बड़े आंदोलन को आपको फेस करना पड़ेगा। ये समा हम लोग करेंगे, इसीलिए आज हम लोग निर्णय भी लिए हैं कि जून के माह में सभी सामाजिक संगठन और उन तमाम सक्रिय शक्तियों को हम लोग इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे और बड़ी लड़ाई की सूत्रपात करेंगे पंचायत राज चुनाव के बाद। आज पंचायत राज चुनाव हो रहा है, आपको मालूम है कि पंचायत राज चुनाव में पंचायत राज का जो कानून है बड़ा लचर है। आज आप देख रहे हैं कि इसके खिलाफ में कई आंदोलन हो रहे हैं, विशेषकर आदिवासी समुदाय की ओर से, क्योंकि लोग समझ चुका है पंचायती राज जो 73 अमेंडमेंट हुआ उसके आलोक में पंचायती राज कानून झारखंड में नहीं बना। उसमें कहा गया है कि आपको कि ग्राम सभा जो अल्टीमेट बेस होगा इस स्वायत्त शासन का, उसमें ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आपको वहाँ का माइंड्स एंड मिनरल्स का परिक्षेत्र का होगा, उस पर अधिकार होगा, परियोजना बनाने का अधिकार होगा, फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, जंगल है, दूसरे चीज़ें हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में उसका पर उसका कब्जा होगा, उसका भी प्रबंधन और देख रेख होगा, और बैंकिंग भी उस क्षेत्र में नहीं खुलेगा जब तक उसका अप्रूवल नहीं होगा, और इस तरह के तमाम शक्तियाँ जो केंद्रीय कानून पेशा कानून में है उसको लागू नहीं किया जाना, यहाँ के हित में नहीं होगा। और पंचायती राज इस तरह से डेडिकेट असेंबली ने नहीं किया, केंद्रीय कानून के उनको कन्फर्म नहीं किया, ये भी एक चिंता का विषय राज्य में बना हुआ है, और उसी के चलते विशेषकर आदिवासी और मूलवासी समाज की ओर से आंदोलन चल रहा है कि अब सही रूप में केंद्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज कानून बनाएंगे। बाबूलाल मारंडी के ज़माने में सवाल उठी थी ट्राइब्स एडवाइज काउंसिल में, मैं भी था उसमें मेंबर, कि पंचायती राज को इतना लचर क्यों बना रहे हैं, तो क्या कि धीरे धीरे इसके अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। वर्तमान सरकार को उसको देखना चाहिए था, अमेंडमेंट करना चाहिए था, वर्तमान सरकार जो हेमंत सरकार है यंग है, इसको मौका मिला था, वो मौका चूक गया इन्होंने, और राजहित में बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, ये दुखद स्थिति है। और आपको मैं बताऊं, यहाँ के आदिवासी समुदाय और मूलवासी समुदाय, आपको आश्चर्य होगा कि आपको गणित पता ही होगा, 28 रिजर्व सीट में 26 सीट जेएमएम को दिया, लेकिन आदिवासी मामले पर ये कभी भी गंभीर नहीं हो सके, ये सरकार कभी भी गंभीर नहीं हो सके, इसलिए इसको आगे सेहत पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ऐसे भी पॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।